कर रहे चौंक जी तो उधरों बड़ी तेज़ से जा रहे थे। मेरी निगाह पई मैं पता नहीं तेज़ से क्यों जा रहे हैं, की गल हुई है। अगे जाके ये डिग गए जी, जो डिगे तो मैं भज के जाके उन्होंने चक्या जी, तो उठाने बाद फिर मैं पूछा मैडम सर थोड़े की ठीक हो तो सट सुट लगी। ये कहते तुम मैंने छोड़ो, मैं रेलवे लाइन छाल मार के अपना सुसाइड करना। फिर मैंने लगे भी ये सुसाइड कर जा रहे हैं, फिर मैं इन्होंने उतों उधरों फट के मैं इधर लिया साइड से बिठाया जी। इन्होंने पूछा पछया भी की गल बात, वो कहते जी मेरे हैसबेंड मैंने वो कुटते मारते दारू पी के, तो मेरा बेटा भी 1.5 साल का, तो मैनू मैं उन्होंने हम उन्होंने सट सुट भी मैं पता लैन गई घर, तो कहते जा तू जाके मर जा। उतों इधरों आई जी फील्डगंज वाले पास्यों, इधर रेलवे लाइन छाल लाने लगे। फिर मैं उतों फट के दलिया एस एच ओ अपना दो नंबर थाने मैं कंप्लेट करती, वो आ गए ने लैके जा रहे हैं। बाकी इन्होंने पड़ोसी आए ने, इन्होंने घर का हाल तक कोई भी नहीं आया जी। इन्हों का जो सुसाइड कर लगे से इन्हों का अपने हसबेंड तो इनलॉज न डिस्प्यूट चल रहा, इस संबंधी कंप्लेंट आई सी, तो वो दोनों पार्टीज़ को टाइम दिता गया से, तो दोनों पार्टीज़ की गल सुन के जो भी बनती कार्रवाई होगी दैट विल बी डन। हुण नाउ शी इज़ टेलिंग मी कि मॉर्निंग इन्हों ने उन्हें असॉल्ट मतलब किया है, हाथ से इन्हों इंजरी हुई हुई है, तो इन्हों का मेडिकल करा के जो बनती कार्रवाई है एज पर लॉ दैट विल बी डन। आपस हाँ जी, मतलब शी इज क्लेमिंग कि हर हसबेंड इज हैविंग एक्सट्रा मैरिटल अफेयर, तो वो किसी होर लेडी ना रह रहे है समथिंग, तो वो वेरीफाई कर लेने सारे ग्राउंड्स, तो जो भी लीगली जो कार्रवाई कर सकते हैं तो दैट विल बी डन। मुलाजम नहीं कर रहा, कोई कॉन्स्टेबल या कोई हेड कॉन्स्टेबल नहीं कर रहा, कोई होर बंदा है वो मैं चेक कर लेनी है भी किहदी गल कर रहे रेड भी कराई गई है, बट घरे अवेलेबल नहीं, ठीक है ना जी। परसन जो भी मुंडा है लड़का राउंड अप करके जी बनती कार्रवाई है डेट विल बी डन, जो मतलब कोई भी बयान लिखाएंगे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएंगे और बेसिस पे जी इन्होंने आपका डिवोर्स लेना डेट इज अ प्रोसीजर ऑफ ऑनरेबल कोर्ट, वो पुलिस वैसे भी कुछ नहीं कर सकती। काफी समय तो मेंटली हरास कर रहे हैं, फिजिकल भी हरास कर रहे हैं, उस संबंधी आप उस हिसाब का स्टेटमेंट देना, क्योंकि लास्ट टाइम व्हाट शी टोल्ड मी इज कि मेरा समान दवा दो, ठीक है ना जी। वो समान दवाने वाली जी गल हैगी भी मैं कहा मुलाजम भेजते थे बट अवेलेबल घर अवेलेबिलिटी नहीं सी, हम दोबारा असं देख लें जो मुंडा अवेलेबल हों या उन्होंने लभ लें असं जे उन्होंने बुला के जो भी इन्होंने दोनों पार्टीज़ का एक मैरिटल डिस्प्यूट हैगा तो उन्होंने एज पर लॉ जिमें जो भी बनती कार्रवाई होगी वो